गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। नेशनल मूवमेंट 1885 टू 1918 पार्ट सेकंड। हम इसके प्रीवियस पार्ट में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस का विभाजन हुआ, कैसे गांधी जी का युग स्टार्ट हुआ, कैसे 1906 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, क्या कारण थे मुस्लिम लीग की स्थापना के, इसके बाद किस प्रकार से जो एक्सट्रीमिक्स कांग्रेस है उन्होंने सोचा कि हमें एक नए कांग्रेस पार्टी के रूप में आना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा। बंगाल इसी ड्यूरेशन बंगाल विभाजन हुआ, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। तो हम लोग महात्मा गांधी की जो अर्ली लाइफ है उसके बारे में भी पढ़ चुके हैं कि जो महात्मा गांधी, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई स्टडी यहाँ से कंप्लीट करने के बाद इंग्लैंड में वो गए, उसके बाद साउथ अफ्रीका में उन्होंने एज ए लॉयर काम किया। उसके बाद वो जो हैं वहाँ पर जाके भी उन्होंने कुछ ब्लैक और वाइट कलर स्किन, ब्लैक एंड वाइट कलर की जो भेदभाव होता था वहाँ पर जाके उन्होंने उसके विरुद्ध आंदोलन किए। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने देश के अलावा दूसरे देशों में भी कई आंदोलन किया है, लोगों का सपोर्ट किया है। उसके बाद जो गांधी जी हैं वो हमारे भारत में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था उसी ड्यूरेशन में भारत में उनका एंट्रेंस हुआ था, मतलब कह सकते हैं आप कंट्रीब्यूशन उनका वहीं से चालू हो जाता है। तो एट द स्टार्ट ऑफ 1917 एंड 1980 गांधी जी लेड द थ्री मूवमेंट ऑफ चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा। 1917 से लेके 1918 के बीच में गांधी जी ने तीन महत्वपूर्ण आंदोलनों में अपना सहयोग दिया था, महत्वपूर्ण आंदोलन चलाए थे, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा गुजरात। दिस मूवमेंट्स वर और द लोकल इकोनॉमिक डिमांड्स। तो ये जो मूवमेंट्स थे लोकल इकोनॉमिक डिमांड थी उसके अंतर्गत थे। इन द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी द वाइट रूलर, शुरुआत ही तौर पर 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ही जो वाइट रूलर यानी जो ब्रिटिश थे उन लोगों ने एक पैक्ट बनाया था, एक समझौता किया था किसानों से कि वो लोग जो है वो नील की खेती करेंगे। आप ऐसा कह सकते हो जो किसानों को ब्रिटिश जो है वो बाध्य करती थी, फोर्स करती थी नील की खेती करने के लिए। दिस वॉज कॉल्ड द ब्रिटिश अपोज्ड द इंडियन इंडिगो प्लांटर इन द चंपारण। इन 1917 गांधी जी वेंट टू चंपारण टू रिवील द प्लेजेंट ऑफ दिस ऑपरेशन। और जो गांधी जी थे वो वहां पर चंपारण पहुंचे और उनके विरुद्ध, जो किसानों के विरुद्ध उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ किसानों के साथ मिलकर ब्रिटिशों के खिलाफ उन्होंने वहां पर आंदोलन छेड़ा। ही वॉज ऑर्डर टू लीव द चंपारण बट ही डिफाइड द ब्रिटिश रूलर। ही फोर्स द गवर्नमेंट टू इंक्वायर इंटू द इनजस्टिस कमिटेड अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स एंड टू पुट द एंड ऑफ दिस ऑपरेशन। और जो अन्यायपूर्ण विधि उन लोगों के साथ चलाई जा रही थी, गांधी जी ने उन ब्रिटिशों के समक्ष ये बात रखी कि इस प्रकार की जो एक्टिविटी इनके साथ हो रही है ये ना हो। 1918 में ही हेल्प द टेक्सटाइल वर्कर इन अहमदाबाद। 1918 में उन्होंने जो अहमदाबाद में जो टेक्सटाइल वर्कर थे उनके साथ मिलके भी ब्रिटिशों के खिलाफ आंदोलन किया था। एंड प्लीजेंट ऑफ खेड़ा टू गेट जस्टिस एंड द टेक्सटाइल वर्कर वर डिमांडिंग ए राइज ऑफ देयर वेज। वहां के जो वर्कर है वो क्या डिमांड कर रहे थे, उनसे जितना काम लिया जा रहा था उसके बदले में उन्हें उतना वेज या उतनी सैलरी नहीं दी जा रही थी। तो उन्होंने ये डिमांड की कि उनके काम के अनुसार उन्हें वेतन दिया जाए। एंड द प्लीजेंट ऑफ द खेड़ा ड्यू टू द क्रॉप फेलियर वर अगेंस्ट द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। और ऐसी कई जगह थी जहां पर फसल अच्छी नहीं होती थी उसके बावजूद भी जो ब्रिटिश है उन लोगों से टैक्स वसूल करते थे। तो इस प्रोसेस को भी खत्म करने की गांधी जी ने आवाज उठाई। द मूवमेंट ऑफ चंपारण बिहार अहमदाबाद एंड खेड़ा गुजरात प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट द मेथड ऑफ गांधी जी एंड ब्रॉट हिम द मोर क्लोजर टू द पीपल ऑफ इंडिया। और ये जो तीन मूवमेंट है, ये जो तीन मूवमेंट का सपोर्ट जो किया था गांधी जी ने, इनसे जो भारतीय जनता है, हमारी जो जनता है वो बहुत प्रभावित हुए थे और गांधी जी को बहुत सपोर्ट करते थे। सोशल रिफॉर्मर, गांधी जी एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में भी सामने उभर के आए। गांधी जी मेड द सोशल इन्फॉर्म्स एंड इंटरनल इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट। इन द फील्ड ऑफ सोशल रिफॉर्म ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू द फाइट अगेंस्ट द इनह्यूमन प्रैक्टिस एंड अनटचेबिलिटी। और गांधी जी ने समाज सुधार के लिए जो हमारे देश में व्याप्त अनटचेबिलिटी थी, छुआछूत जैसी जो प्रथा थी उसे समाप्त करने का गांधी जी ने बहुत प्रयत्न किया। मिलियंस ऑफ इंडियंस लीड लाइफ्स ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड
डिग्रेडेशन बिकॉज दे वर कंसिडर्ड एज अनटचेबल। ऐसे हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो एक गुप्त जीवन जी रहे थे, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। क्यों? क्योंकि वो अनटचेबिलिटी कैटेगरी में आते थे। तो इन सबको देख के गांधी जी ने भी उन लोगों का सपोर्ट किया। हिज अनदर मेजर कंट्रीब्यूशन वॉज इन द फील्ड ऑफ कॉटन कॉटेज टेक्सटाइल। कॉटेज टेक्सटाइल को भी उन्होंने प्रोत्साहित किया, ऐसी मतलब लोगों को प्रोत्साहित किया कि वो घर पर ही किस प्रकार से छोटे छोटे उद्योगों का विस्तार कर सकते हैं और अपनी जीविका अपने अपने लिए पैसा कमा सकते हैं। ही टोल्ड द पीपल दैट चरखा वॉज द सोर्स ऑफ द इमेंसिपेशन ऑफ द रूलर पीपल। उन्होंने ये कहा था जो चरखा है वो ऐसे पीपल्स के लिए मतलब एक औजार के रूप में हम उसका काम कर सकते हैं, चरखे से बहुत से पैसे कमा सकते हैं, अपना जीवन उपार्जन कर सकते हैं। चरखा बिकम एन इम्पॉर्टेंट सिम्बॉल ऑफ दिस एम्फेसिस ऑन द विलेज इंडस्ट्री। विलेज इंडस्ट्री के लिए चरखा जो है एक सिम्बॉल के रूप में सामने आया था। विथ जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट, जिन्होंने किया जिसने क्या किया था, चरखा ने जो आम व्यक्ति जो बेरोजगार थे उनको एक एम्प्लॉयमेंट का एक सोर्स बताया था। ही डिवोटेड हिज लाइफ फॉर द यूनिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम। उन्होंने महात्मा गांधी ने अपना पूरा जीवन हिंदू और मुस्लिम की एकता के लिए समर्पित कर दिया था। वो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि भारत के जो हिंदू मुस्लिम जनता है वो किसी भी प्रकार से दो भागों में बटे। ही कंसिडर्ड कम्युनलिज्म एंड एंटी नेशनल एंड इनह्यूमन। वो हमेशा मानवता के प्रति रहना चाहते थे, कभी भी मानवता के विपरीत ऐसा कोई भी कार्य करने में वो बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं थे जिससे कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी नुकसान हो। ही मेड द एफर्ट ऑफ अटेंड फ्रीडम फ्रॉम फॉलोइंग द पाथ ऑफ यूथ एंड नॉन वायलेंस। और उन्होंने भारत को आज़ाद करवाने का एक नया रास्ता खोजा था जिसमें उन्होंने ट्रुथ सच्चाई और नॉन वायलेंस अहिंसा को ही अपना महत्वपूर्ण औजार समझा था। और इसी को इन्हीं के साथ ट्रुथ और नॉन जस्टिस को लेके ही उन्होंने बहुत बड़े बड़े आंदोलनों को चलाया था और बहुत हद तक वो सफल भी हुए थे। होम रूल मूवमेंट। मिसेज एनी बेसेंट केम टू इंडिया इन 1893 एंड बिकम द लीडर ऑफ द थियोसोफिकल सोसाइटी। एनी बेसेंट जो है इंडिया कब आई थी, 1893 में वो इंडिया आई थी और थियोसोफिकल सोसाइटी की वो लीडर हुई। तिलक हु रिटर्न फ्रॉम हिज एग्जिल इन बर्मा इन 1914, जो तिलक थे उस समय 1914 में बर्मा से लौटे थे, ज्वाइन द कांग्रेस और उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया। इन द मंथ ऑफ अप्रैल इन 1916 बाल गंगाधर तिलक एंड इन सेप्टेम्बर एनी बेसेंट फाउंडेड इंडियन होम रूल लीग। और तिलक बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर होम रूल लीग को रिप्रेजेंट किया था एंड बोथ एम्ड द अचीविंग द सेल्फ गवर्नेंस फॉर इंडिया। और दोनों ने सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया में सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड की थी। स्पीकिंग ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मूवमेंट बिपिन चंद्र पाल रॉट द मेजर अचीवमेंट ऑफ होम रूल मूवमेंट। और होम रूल मूवमेंट के लिए जो मेजर अचीवमेंट थी वो किसके द्वारा लिखे गए थे, बिपिन चंद्र पाल के द्वारा लिखा गया था। वॉज मेकिंग द फ्यूरियस फाइटर फॉर द नेशनलिस्ट मूवमेंट। द डिफरेंट मेंबर ऑफ द सोसाइटी वर पंडित मोतीलाल नेहरू। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के अलावा होम रूल मूवमेंट में और जो नेता थे वो थे पंडित मोतीलाल नेहरू, चित्रंजन दास, तेज बहादुर, सप्रू राम, रामेश्वर अय्यर एक्सेट्रा। ये लोग भी इसमें इन्होंने भी इनमें सपोर्ट किया, होम रूल मूवमेंट में इन लोगों ने अपना सपोर्ट किया था और ये अदर मेंबर्स थे। ऑपरेशंस तिलक एंड बेसेंट्स बोथ पॉपुलाइज्ड एट द होम रूल मूवमेंट। देयर ऑरेटोरिक स्किल इन्फ्लुएंस द मासेस एंड द रेस्टलेस ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉलोड ऑप्रेसिव मेजर टू क्रब द इन्फ्लुएंस ऑफ द टू लीडर्स। द ब्रिटिश ऑप्रेस द नेशनलिस्ट विथ एन आयरन हैंड। अब ये जो होम रूल मूवमेंट है ये तिलक ने और एनी बेसेंट ने दोनों ने मिलाकर पॉपुलर किया, पूरे देश में पॉपुलैरिटी इसकी जगाई जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें कंट्रीब्यूट कर सके और भारत को स्वतंत्र कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। तो ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। इसके अलावा भी 1918 से लेके जो 1947 हमारे देश को किस प्रकार से आज़ादी मिली, किस प्रकार से भारतीयों ने इस चीज़ के लिए स्ट्रगल किया है, ये हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। So thank you and have a nice day.